प्रगति और आप देख रहे हैं एसएमई पोस्ट लाइव। पेश है आपकी खास एसएमई खबरें। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने एथेनिक एपीरियल ब्रांड बीबा के साथ हाथ मिलाया और नई दिल्ली लाजपत नगर स्थित बीबा के फ्लैगशिप स्टोर में इंडिया हैंडलूम ब्रांड गारमेंट्स को किया लॉन्च। इस अवसर पर टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इंडियन हैंडलूम्स को प्रमोट करने पर फोकस कर रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 82,000 करोड़ रुपए के कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक, रॉकेट और मिनी ड्रोन खरीदने से जुड़े प्रोजेक्ट्स आदि शामिल हैं। मिनिस्ट्री ने कंपनियों के लिए नई ब्लैक लिस्टिंग पॉलिसी पर भी मुहर लगा दी है। बाबा रामदेव जल्द ही उत्तर प्रदेश में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, राज्य कैबिनेट ने इसके लिए दी मंजूरी। इस योजना में यमुना एक्सप्रेस वे पर 450 एकड़ का फूड पार्क भी शामिल है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने घोषणा की है कि यूके भारत में 75 स्टार्टअप एंटरप्राइजेज में 1,330 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, जो न्यू जॉब्स को जनरेट करने में मदद करेगा। कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि ब्रिटेन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। एली इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए नासकॉम के साथ की भागीदारी। ऑनलाइन ग्रोसर बिग बास्केट अगले साल मार्च के बाद $150 मिलियन फंड रेस करने की तलाश में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI डोमेस्टिक और ओवरसीज मार्केट के तहत लॉन्ग टर्म बॉन्ड के जरिए 5,000 करोड़ रुपए रेस करने की योजना बना रहा है। दिल्ली और NCR में स्मॉग का लोगों पर बुरा असर पड़ने के कारण कंपनियों के काम करने की रफ्तार हुई धीमी। SOCHM की रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों में 10% तक स्टाफ बीमार है।